हाल ही में मुंबई में रमोला बच्चन ने चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर के लिए पेंटिंग्स की एग्जीबिशन रखी और इसे कामयाब बनाने के लिए अनिल कपूर ने इस संस्था से जुड़ने का फैसला किया। इस मौके पर संजय दत्त, पूनम ढिल्लन, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, शेखर सुमन, राहुल बोस, पूजा बेदी और विनोद खन्ना भी मौजूद थे। इस मौके पर इन पेंटिंग्स पर बोली लगाई गई। मकसद मेरे पर्सनल चॉइस का नहीं है, मकसद ये है कि इन पेंटिंग्स हम जितना ज्यादा ज्यादा पैसा जमा कर सकें। It's a wonderful cause and it's something to do with children and charity and I'm always available for that. I think वो हर एक इंसान के ऊपर रहता है। I mean, मेरे लिए charity काम करना बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए मैं आता हूँ। मैं सपोर्ट के लिए काम करता हूँ, सेव द चिल्ड्रन फंड के लिए काम करता हूँ, कैंसर के लिए करता हूँ। बट आई थिंक इफ आर्टिस्ट गेट इन टू इट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड इट्स ब्यूटिफुल, यू फील गुड इन द हार्ट। बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एफर्ट, प्लान उत्सव, व्हाटएवर दे आर डूइंग टू ब्रिंग अवेयरनेस फॉर प्राइमरी एजुकेशन, रेजिंग फंड्स सो दे कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल एट लार्ज एंड ब्रिंग गेटिंग द अंडर प्रिविलेज टू नो कि देर इज अ होल स्कीम बाय विच दे कैन एजुकेट द किड्स, you know, without too much cost, and how important primary education is. So I think this is a great thing. We are all here to support them. They are friends of ours. जाने माने चेहरे जब किसी संस्था को सपोर्ट करते हैं तो इससे आम आदमी को भी सीख मिलती है। मैं समझता हूँ कि जो भी अगर कोई वेल नोन शख्स अपना समय, अपना चेहरा दे किसी कॉज के लिए, तो ये डेफिनेटली हेल्प्स अट्रैक्ट मीडिया अटेंशन। चार्ज शामिल होती है तो मीडिया यू नो फुल फोर्स में आ जाती है कहने के लिए कि देखो ये स्टार्स आए हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द सोशल कॉज इज ऑल्सो अपलिफ्टेड। येस ऑफकोर्स आए हैं मीडिया स्टार्स के लिए, अंत में कॉज जो है बेनिफिट करता है, पैसे आ जाएंगे, इंफॉर्मेशन फैलती है, अवेयरनेस बहुत फैलती है, एंड आई थिंक इट गिव्स प्रोफाइलिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिल्म इंडस्ट्री हमेशा हमेशा सोशल कॉजेस के लिए आगे आती रही है, हमेशा आती रहेगी, और जो भी खामियां हैं सोसाइटी में उनको भी यू नो फिल्म के ज़रिए उनको बाहर निकालेगी। सबसे पहले मेरा ख्याल जितनी अवेयरनेस लोगों को फिल्म के द्वारा होती है वो आपके किसी कैंपेन से नहीं होती। डोंट focus on the glamour quotient, you know, focus on what people are genuinely doing. सेलिब्रिटी होने के साथ साथ कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो एनजीओस के लिए फंड्स जमा करते हैं। Personally, I've been involved with Habitat for Humanity. 80 घर बनाए हैं अब तक for the villagers, tribals के लिए। अच्छे घर, bathroom, bedroom, kitchen, पक्का घर बहुत अच्छे बनाए हैं उनके लिए। वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया 6 बच्चे हर महीना मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं सिर्फ मेरे फाउंडेशन के बारे में कह सकता हूँ, मेरा जो एनजीओ है उसका नाम है द फाउंडेशन। सारे कॉस्ट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं वो मैं देता हूँ, जो लोग मुझे पैसे देते हैं वो सीधे बच्चों को जाते हैं। इनके अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, सुष्मिता सेन, रवीना टंडन, दिया मिर्जा जैसे एक्टर्स लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं। ये देखते हुए लगता है कि इन खास चेहरों के पीछे भी एक आम इंसान छुपा हुआ है।